चतुर्थ दिना गोलाघाट गड़े कर मुक्त विचरण गड़ो एतियाओ खेदी पठियाबले सक्षम हुआ ना जुआ तो निशा गड़टे बरटिंग नावलियाराजी पुवार भगरे गड़ गोलाघाट पदुमणि हेनसुआर एन गाथनित सुमा गड़ मुक्त विचरण प्रशासने आनते 144 धारा 144 दीलिया और अंचल लोक घरते थकारो आहान जाना प्रशासने कि प्रशासन निषेधाज्ञा सत्वे गड़ चाल पदुमणि हेनसुआत बहुज बर्तमान अंचल वन विभाग लोक उपस्थित हो निरीक्षण रखिसे गड़ गतिविधि और हाबिल पुनर्बार पठिया दी सक्षम कि हा ना आनहते इत स्थानीय लोको किसु भीतिग्रस्त हो इतिम्य गड़ आक्रमण पांचगढ़ लोक सामग्रिक रूपे यार भर डी एफ ओ आगे बनकर्मी सामग्रिक रूपे आहत और अधिक जानी पुने पुने लैसो दर्शक गोलाघाट गोलाघाट संयुक्त होमार सांबा यूनेस आल सहित यूनेस बर्तमान कत आस गड़ अवस्थित काथनीते आए ना आन ठाई ऊल् गई है हाँ गीता से कब लगे आम पुआपा जी गड़ मुक्त विचरण बम्प्रचार कर देखा आ इतिम्य जी आम पुवार भगत कैसो पदुमणि हेनसुआर एन गाथनित गड़ तो आश्रय लैसी तक किस आश्रय लगा किसुम पास समय गड़ इन गाथनि अन्य गाथनि गड़ तो इतिम्य आश्रय लगे मैं समग्र दृश्य तो मैं सहयोग देखा पाँच मैं मोर सन्मुख जी बगान आस बगान का गड़ तो इतिम्य आश्रय लैसे आश्रय लगा यार जी गाँव राइज आस गाँव राइजों इतिम्य गड़ तो चाने अपेक्षा कर बहु लोक ऊल्ह से गड़ चाले मैं सहयोग समग्र दृश्य तो देखा अनुरोध कर गड़ चाले एने लोक ऊल्से ऊल्हे गड़ चाले और मोर वन विभाग लोको आज वन विभाग लोक आज चार वन विभाग दिन निशा गड़ तो कजिरंगा कि उभतें लै जाए बोले प्रचेषा चला जीत अपने आज चार गड़ तो पुनः घूर लाइ काजिरंगा उभतें पठियाल चेस्ा कर सक्षम होने अन्य कि प्रक्रिया आज है केने धरण गड़ तो यहाँ उलवे लै जा पार बस्तुटे आम चार चेस्ा करूँ बर्तमान मानने आगत आम बेसगाव ऊल्से महिमा इपिने ऊल्से कि गड़ तो मानने कि आई पे घूरी घूरी जाए इ मैंने क्या विभूत पे रास्त हेरा बुझा ना कौन सैडे तमें ये बस्तु तो एक्सुअल गम पा ना कल एने पदुमणि टी फैक्टर बेक बेकत आम मैं तक सीफाले गई थकोते आम फटका बम सम फुटा सीफाले आम गल साढ़े तीन चार बजा आम मैं गुस जाऊँ गा पा धुबर कारण क्या खाने सही टाइम से मैं गड़ घूरी आम पदुमणि इतना मैं समाले कल देखा पा गई बरटिंग नावलिया नावलिया बहुत लोक ऊल्से ऊल् गड़ तो क्या कस्ता नोह चाउन आगुरी रखी तार जार फल प्रशासने 144 धारा दी बाध्य इतना जीत पुनः पदुमणि हेनसुआ जो गड़ तो ऊल्से इतना अपना के चेस्ा चलो आज तो बर्तमान आम भल पाई बर्तमान जैगाकन आम मैं तेक राइज गुट खुआ ना आम सहारि पाई तक आतरे आतरे आए एने कल पुरोहित थकिलेन तक गड़ तो केबा गुस गलोन कि आज भल पाई और द्वित आज लास्ट आम एटेम करम इतना पाँचा छा बजा आको एक दिशते लगे एक धरण लगे कारण गड़ बोला बस्तु विभूत गड़े कौनफा गति लब जन गड़े इफाल इफाल दिख विचारी पा ना उभति जा बनांचल और সেই অনুসৰিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত নিৰীক্ষণ ৰাখিছে গোটেইখিনি বনকৰ্মীসকলে অহৰহ তেওঁলোকে চাৰিটা দিনে গড়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্ত বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ইউনেস সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ জবল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড
আর চিরাঙ্গার সামথাইবাড়ি পেট্রোল পাম্পত নিশা চাঞ্চলকর ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেল। আরক্ষীর এটা তদন্ত জোরদার গতি চলিছে। বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুর্বৃত্তর, বাইকত অহা দুই পিস্তলধারী ডকাইতে লুটিলে 3.5 লাখ টাকা। সামথাইবাড়ি স্থিত ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পত ফুট গধূলিতে এটা চাঞ্চলকর ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়। হেলমেট পরিধান করে বাইকত অহা দুই যুবকে পেট্রোল পাম্পত কর্মচারীসকলক পিস্তল টুয়াই ভাবুকি দিয়ে লুটি নিছিল টাকাখিনি। योगी जी, हमें हमारे मीडिया समूह न्यूज़ 18 को इस इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिनों बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, दूसरी पारी में पहली बार। मैं एक अलग रुख देख रहा हूं इस बार मुख्यमंत्री का, एक नई उत्साह है, एक नई उमंग है। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार इकॉनमी पर बहुत बड़ा फोकस है, इस बार रिफॉर्म्स पर फोकस है। और आपने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने की, जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी, जिसको कि अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं अपने क्या कहते हैं दर्शकों के लिए, तो करीब 80 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी, ये आप 4 साल में करना चाह रहे हैं, 2027 तक करना चाह रहे हैं, कैसे कर पाएंगे ये सब? राहुल जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप यहाँ पर आज आए हैं और उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा को अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 6 वर्षों में अपनी विकास दर को दोगुना किया है, जीडीपी दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो यूपी का जो फर्स्ट इन्वेस्टर समिट था फरवरी 2018 में, उस समय इसका एक लक्ष्य हम सबको दिया था। इन्वेस्टर समिट के उन कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आगे बढ़ नहीं पाई, उसने इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक उसके मार्ग में एक बाधा खड़ी की थी। लेकिन अब कोरोना से लगभग उत्तर प्रदेश भी देश भी उभर चुका है। अब हमारे सामने था कि हम इसके लिए क्या नया प्रयास प्रारंभ करें, और अगर वास्तव में यूपी जैसे स्टेट की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर भारत को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो उत्तर प्रदेश को अपना रोल उसमें अदा करना पड़ेगा। इसके लिए व्यापक रिफॉर्म किए गए, उन सेक्टर्स की पहचान हुई जिनमें यहाँ पे निवेश हो सकता था, 25 ऐसे सेक्टर निकले, उनकी पॉलिसी बनाई गई।
इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के अलावा टीम्स भेजी गई दुनिया के बड़े देशों में, देश के बड़े महानगरों में। और आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नज़दीक तिथि आ रही है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से अधिक निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है जिसमें केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं बल्कि हमारे पास तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमएसएमई के फील्ड में है, हमारे पास अपना मैन पावर है, बहुत अच्छा मैन पावर हमारे पास है। ये सभी कार्यक्रम हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कितना निवेश ला पाएंगे आप, क्या अनुमान है? देखिए, मैंने कहा ना कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जी, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से ज्यादा निवेश लाने में सफल होंगे। ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। एक चीज ये बताएं कि 4 साल में अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है एक $1 trillion इकोनॉमी का, तो आपको 4 गुना आज की इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अर्थात करीब 25% की रेट से ग्रो करना होगा। आज हमारा देश 6-7% की रेट से ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में भी अनुमान है कि 7-8% अगर रिफॉर्म्स चलते रहे तो उस रेट से ग्रो, तो उत्तर प्रदेश ये ब्रेकआउट ग्रोथ कैसे कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल विकास दर आप देखेंगे तो 13-14 के बीच में चल रही है। जो दुनिया के अंदर मंदी का दौर चला है इसको देखेंगे, उसमें से अगर इसको भी माइनस करेंगे तो भी हमारी 8% की इस समय ग्रोथ रेट है। लेकिन मेरा ये मना है कि यूपी में केवल औद्योगिक निवेश की संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्टर्स भी हैं। खासतौर पर देश का सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है, 11% देश की कृषि भूमि में 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी करता है। मेरा मानना है कि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो 8.5% की कृषि विकास दर को हम डबल डिजिट में पहुंचाने में सफल होंगे। और इस दिशा में पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार के स्तर पर और पिछले 6 वर्ष के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपी का जो परंपरागत उद्यम था एमएसएमई का, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। सरकार ने उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, थोड़ा पुशअप किया, परिणाम है उसने यूपी के एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक कर दिया। रोजगार की अनंत संभावना वाला फील्ड है हमारे पास, इस पे हम थोड़ा प्रयास प्रारंभ करें, यह यूपी के विकास दर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, यूपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनसीआर के एनसीआर से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के निर्माण जो पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुए हैं जी, या इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जिस प्रकार से उसका स्ट्रेंथन हुआ है, लैंड लॉक्ड स्टेट से हट करके आज हमारे पास पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए देश का वाटरवे नंबर 1 आज यूपी के पास मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे का जो जाल यूपी के अंदर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर बिछा है, ये सभी चीज़ें यूपी की इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक एक देखिए मुद्दा भी रहा है पहले। अभी हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जी, एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60,00,000 से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी MOU चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। MOU की प्रकृति और इन सब को लेकर के 10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे कि अगले 2-4 साल के अंदर हम कितने निवेश को कितने समय के अंदर करवाने में सफल होंगे और कितने युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम जमीनी धरातल पर लाने में सफल होंगे, इसकी भी घोषणा होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या होगी। पहले देखा गया है 2018-2019 में भी आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें भी काफी MOU साइन हुए, जैसे कि 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, तो इसमें कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब कितना निवेश आया? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि यूपी में हम उतना निवेश करवाने में सफल होंगे, उतना हम लोग MOU कराएंगे जितना यूपी की वार्षिक बजट होगा। 4,28,000 का हमारा वार्षिक बजट उस समय था जी, हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। और मुझे प्रसन्नता है कि COVID-19 के बावजूद हम लोग लगभग 4,00,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 4,00,000 करोड़ से देख के इसमें बहुत सारी यूनिट तो अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे आपके मथुरा में पेप्सिको का जी जो कारखाना लगा है, जो यूनिट लगी है, लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत अच्छा उसने उत्पादन शुरू किया वहाँ पे। यूनिलीवर का हमीरपुर में जी, ऐसे ही डाटा सेंटर आपके ग्रेटर नोएडा में लग चुका है, ऐसे ही आपका जो है सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, ये पहली बार देश की फर्स्ट यूनिट थी। ऐसे हजारों यूनिट यूपी के अंदर अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है। कौन कौन से सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, सभी 25 सेक्टर हम लोगों ने तय किए थे, सभी में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास के साथ साथ यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के, उसमें IT और ITMS के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, अलग अलग जो 25 बायोफ्यूल के लिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं उन सभी 25 सेक्टर्स में। ये थोड़ा मुझे वाइब्रेंट गुजरात की याद दिलाता है। आप लगता है कि उस मॉडल से कुछ प्रभावित हैं, कुछ मोदी जी का इसमें इनपुट, कुछ टिप्स वगैरह उनसे लिए कुछ? देखिए, सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की ही है और इन सब बातों को लेकर के हम राज्यों के साथ भी अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी देखते हैं कि इन राज्यों ने कहाँ पर क्या अच्छा किया है और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। नीचे के लेवल पर करप्शन हावी रहता है, तो क्या कहीं पर आप इसकी वजह से कोई फास्ट ट्रैक डेस्क बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, जिसमें अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना पड़े, निवेश लाना हो, तो वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके? देखिए, पास पहुंचने की अब नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर
इसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने चेंज करके रख दिया है जी, और इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। एक दूसरा है कि कोई भी निवेशक आज हमारे साथ एमओयू कर रहा है तो हमने उसको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है जहां पे 350 से अधिक क्लियरेंस उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी मान।